जैसा कि आज हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे आशीष कुमार हैं और ये बिहार से अररिया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आज ये अपना घर जा रहे हैं और इस समय फिलहाल क्या है, बिहार में तो लगता है लॉकडाउन लग गया है ना। हाँ। बिहार में लॉकडाउन लग गया है और अपने यूपी का क्या है, आज ऐसा पोजिशन है कि कुछ टाइम टू टाइम आया हुआ है, तो जितने भी सारे जो बच्चे हैं जो दूर के रहने वाले हैं, मतलब अदर स्टेट के बच्चे रहने वाले, कम से कम 8 से 10 बच्चे हैं, वो सारे बच्चे जा चुके हैं। उनमें से आशीष भी हैं, इन्होंने अपना थोड़ा सा वेट किया। इन्होंने बोला कि सर मैं 7-8 दिन रुक जाता हूँ, अपना कोर्स पूरा फाइनली करके ही जाता हूँ। तो इन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ये इनका कोर्स को आज इनको सर्टिफिकेट मिल गया है। पूरा अपना इन्होंने मेहनत किया है कि 6 से 8 घंटे डेली क्लास करते थे। मुझे लगता था ये 5 तारीख को आए थे मेरे पास, 5 या 6 तारीख को आए थे, 5 या 6 तारीख को आए थे। और आज का दिन मतलब टोटल अगर देखा जाए तो शायद मुझे लगता है कि 45 दिन हो गया। तो 45 दिन के अंदर इन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपना जाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपना सेटअप जमाएंगे, अपना आगे काम करेंगे। मेरी तरफ से आशीर्वाद है, खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और इसी तरीके से ताकि इनको ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आए। जिस परेशानी को ले करके आगे आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो इनकी परेशानी हल हो सकती है, एक सीख करके कामयाब आदमी बने और अच्छा काम करें। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का मात्र 2 महीने का पूरा कोर्स रहता है, 45 दिन का कोर्स रहता है। जो बच्चे अपना बाहर से आते हैं 45 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो फिर अपना एक अच्छे से काम कर सकते हैं ताकि उनको कोई परेशानी नहीं आती। तो आज इनसे आप थोड़ा सा बात करेंगे, अपना सारा बच्चों को व्यू देंगे कि कैसा सीखा हुआ है, किस तरीके से लोग आकर के सीख सकते हैं। अभी कोविड की वजह से जो भी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं सबको रोक दिया गया है कि अभी कुछ दिन के लिए आप लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं पेंडिंग के लिए। उनको मैंने बोल दिया कि अभी आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग कब आएंगे, जब सारा मामला शांत हो जाएगा, सब माहौल सही हो जाएगा, फिर हम सब लोगों को बुलाएंगे और अच्छे से सीख करके जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरा नाम आशीष कुमार झा है, मैं बिहार के अररिया ज़िले का रहने वाला हूँ। तो आज मैं यहाँ पे, यानी कि आज से 45 दिन पहले यहाँ आया था, 5-6 मार्च को। तो आज लगभग मेरा 45-46 दिन पूरा हुआ। तो इस तरह से मैंने कोर्स भी पूरा कर लिया। कोर्स तो 10 दिन पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी सर बोले कि थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा दिन रहिए हमारे यानी कि गाइडेंस में रहिए कुछ दिन, और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैंने और प्रैक्टिस करने के लिए फिर 10 दिन रुक गया। हालांकि मैं एक यानी कि 35-36 दिन में ही कोर्स कंप्लीट कर लिया था, लेकिन सर बोले कि और 10 दिन रुक जाइए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने और सही तरीके से यानी कि पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैं और भी रुक गया 10 दिन। और अब अभी तो लॉकडाउन का ये चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इस वजह से मुझे जा रहा हूँ, नहीं तो और भी 2-4 दिन रुकते। तो यानी कि इतने दिन जो रहा बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि घर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं लगा कि कहीं बाहर रह के कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगा कि घर में रह रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से पास में, यानी कि वही जहाँ रूम वहीं पे क्लासरूम, तो जब मर्जी हो तब आके क्लास में बैठ जाते थे, पढ़ते थे। बाकी ये रहा कि लगभग 8 घंटे 7 घंटे आपको जितनी मर्जी है उतने देर क्लास में बैठ सकते हैं, उतने देर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास टीचर अवेलेबल होगा उतने देर। तो हम लोग जितने भी लड़के हॉस्टल में थे सबका धीरे धीरे कंप्लीट होते गया और सब लोग घर जाते गए। और भी कुछ अभी सर ने मतलब कि अभी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं कि लॉकडाउन का टाइम है, तो 1-2 स्टूडेंट और बचे हुए थे, तो हम लोग भी आज घर जा रहे हैं, हम लोग का भी कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ये लग रहा है कि आज जा रहे हैं, पर ये लग रहा है कि हमने जो यहाँ से अगर किया है, अगर किसी और तरीके से पढ़ता तो कोई सपोर्ट नहीं था, बट अगर हमने इंस्टीट्यूट से किया है, इंस्टीट्यूट से क्या है कि लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। अब कल को कोई भी फ़ोन ठीक करने के टाइम में, कोई भी फ़ोन रिपेयर करने के टाइम में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन सर से मांग सकते हैं, फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके, जिस तरह से होगा तो सर उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। इससे क्या है, आप एक बार फी देते हैं और आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलता है। कभी भी आप इतने फी तो आप कभी कमा सकते हो, 15 दिन में कमा सकते हो, 20 दिन में कमा सकते हो, जितनी फी लगती है उतनी फी तो आप 20 दिन 25 दिन 15 दिन में कमा सकते हो, अगर आपने सही तरीके से सीख लिया है। सबसे पहले क्या है कि खुद से मेहनत करना पड़ता है। सर तो एक जरिया है, सर यानी कि एक रास्ता है बताने का, बशर्ते सीखना तो खुद को है। तो इसलिए
अच्छे से हमने मेहनत किया और सर का भी पूरा गाइडेंस रहा और लगा कि नहीं अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं और ऐसा लगा कि सर के साथ एक नया रिश्ता भी बन गया, यानी कि कल को कोई समस्या आएगी तो सर से हम फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग करके जिस तरह से भी होगा, अगर कोई फ़ोन हमसे ठीक ना हो, ऐसा हो सकता है कल को कोई नया मॉडल आ जाए, नया वर्जन आ जाए तो हमसे ठीक ना हो तो सर से हम उसकी हेल्प ले सकते हैं और सर मुझे हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों। तो जैसा कि देखा कि और भी सारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को फिलहाल ये सारे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं ये अपने लोकल के हैं। सुबह मॉर्निंग का 8 से 10 का बैच है और काफ़ी बच्चे हैं जो कम से कम मॉर्निंग में 18-20 बच्चों का बैच था, तो 18-20 बच्चों में से अभी मात्र 5 स्टूडेंट हैं और बाकी लोग जो बाहर के थे वो सब लोग चले गए। और कोविड की वजह से सारे बच्चों के लिए जो बाहर से बच्चे आते हैं अभी उनके लिए स्पेशली है कि अभी अपनाएं, अभी कुछ टाइम दें घर पे, और जैसे ही सब चीज़ें ओपन हो जाती हैं और बीमारी का थोड़ा सा हल निकलता है, लोग कुछ आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है, फिर आप अच्छे से आइए। और मात्र 45 दिन का कोर्स रहता है, 45 दिन के अंदर पूरा कम्प्लीटली सीख करके जाइए। यहाँ पर आपको पूरा कम्प्लीटली ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग के साथ साथ जितने भी सारे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या मोबाइल फ़ोन से संबंधित मशीनें हो गई, या सॉफ्टवेयर से संबंधित टूल्स हो गए, जैसे डोंगल हो गया, UFI हो गया, UMT हो गया, MRT हो गया, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर संबंधित सामान आता है तो वो सारा सामान अपना मंगा सकते हैं। जो ऐसे टेक्नीशियन हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन की शॉप चला रहे हैं, उनको काम करने में कोई परेशानी आती है या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये एक छोटा सा एक्सपेंस करके जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को लॉक खोलने का तरीका आराम से सीख सकते हैं, अपना वहीं पर काम कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊँ, आप कितना भी सीख लीजिए लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते, आपको कुछ टाइम के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर प्रैक्टिकल एक ऐसा टॉपिक रहता है जिस चीज़ को ऑनलाइन आप सीख सकते हैं, देख के कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं रहता। आप जब आप आकर सीखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो थैंक यू दोस्तों कि अब आज जा रहे हैं, थोड़ा सा लगता भी है कि दुख भी होता है कि मतलब कोई पर्सन जब जाता है अपने से दूर होकर के अलग होता है तो वो भी लगता है, और जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए क्या होता है स्पेशली लगाव रहता है, क्योंकि वो हम लोगों के साथ में मुझे लगता है सारा दिन रहते हैं, रात में भी रहते हैं, कभी कोई परेशानी होती है तो पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, अच्छा रहता है। और ये जाएँ अपना आगे तरक्की करें, खूब अच्छे से काम करें, कभी कोई परेशानी आए तो ये कॉल करें और इनको पूरी मदद मिलेगी, अच्छा सीखे जाएंगे। ओके।